बंधु, और ये देखिए, ये बना रहे हैं बर्गर बना रहे हैं, और ये बनाने वाले भी भाई बहुत बढ़िया टेस्टी बनाते हैं। अभी देखिए आप ये किस तरह से बना रहे हैं, जरा इसके बारे में थोड़ा और बताइए भाई, क्या क्या डालते हैं इसमें, जरा क्या 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 डालते हैं वो उसको बताइए। और केला तो मैं लगते नहीं देखा, लेकिन आप खीरा लगता है। ये बहुत बढ़िया टेस्टी बनाते हैं, भीड़ भी बहुत रहती है। ये चटनी है सहजवान की। ये किस चीज की चटनी है? सहजवान का होता है। सहजवान। और ये? ये पुदीना धनिया का होता है। पुदीना धनिया का है, देखिए सहजवान का और ये पुदीना धनिया का है। और ये सामान डाल रहे हैं, आप देख रहे हैं तो प्याज है, मिक्स सलाद, ये टिक्की हो गया, और बताइए तो चौमन होता है एक साइड। दे घनश्याम देख क्या है, ये कैसा है इसको चेक करके बताएंगे। आइए बंधु, हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब इस समय हम आए हैं सिद्धार्थ नगर जनपद में, जो कि सिद्धार्थ नगर से 45 किलोमीटर दूर एक कठेला कोठी चौराहा है, और समय माता मंदिर यहीं बगल में है। हम लोग वहाँ भी गए थे, लेकिन उसके पहले हम आए यहाँ कठेला कोठी चौराहा यहाँ जलपान के लिए। तो यहाँ एक कृष्णा स्वीट हाउस है, वहाँ अभी हम आए हैं और चल रहे हैं, आपको भी दिखाएंगे। और आइए, अब यहाँ हम लोग जलपान करेंगे और इनसे बात भी करेंगे। और देखिए, ये फास्ट फूड की भी दुकान है, और यहाँ आप देख रहे हैं कृष्णा बेकर्स और कृष्णा स्वीट हाउस आप देख सकते हैं। और यहाँ ये काउंटर लगा हुआ है, बंधुओं आप सब देख लें कि ये चाउमीन और बर्गर ये सब तो हम कभी खाए नहीं हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये खड़े हैं। और इनके बारे में आप लोग जान लें कि ये कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए भाई, ये बनाते कैसे हैं, क्या मतलब फास्ट फूड है तो किस तरह से क्या क्या मसाला डालते हैं, कैसे क्या करते हैं, इसके बारे में जरा बताइए भाई। मसाले क्या रहता है? चार पांच मसाले रहता है इसमें, मिर्च हो गया, और ये हल्दी का मसाला, नमक, अजीनोमोटो, और क्या अजीनोमोटो, ये सब मसाला मिला करके आप डालते हैं उसमें, तब जाकर के ये चाउमीन तैयार होता है। और बर्गर कैसे बनता है, बर्गर इसके बारे में बताएंगे? बर्गर नॉर्मली होता है, खास नहीं है, जैसे शहरों में होता ऐसा नहीं होता। तो ये बर्गर का क्या रेट जरा बताएंगे, कि कितने मिलता है एक बर्गर? 20 रुपीस से स्टार्ट है। और चाउमीन? चाउमीन हमारा 15 का। 15 का, देखिए 15 रुपए प्लेट ये चाउमीन बनाते हैं, और ये 20 रुपया में ये देते हैं, माने इनका कहना 20 माने 20 रुपए का ये बर्गर देते हैं बंधु। और ये बहुत बढ़िया दुकान है, और क्या जी आप देखा जाएगा कि ये कैसा बनाते हैं, टेस्टी बनाते हैं कि नहीं, कभी खाया तो नहीं, लेकिन इसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूँगा। अभी हम लोग टेस्ट करके भी बताएंगे कि कैसे बनाते हैं, क्या इसका टेस्ट है, कभी खाए नहीं, लेकिन आज तो जरूर खाएंगे, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ाई सुन रहे हैं। अभी हम मंदिर पर गए थे, तो वहाँ ये सुने कि कृष्णा स्वीट हाउस में बहुत बढ़िया जलपान मिलता है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, तो मैं यहाँ आया, इसलिए देखा भी भाई इनकी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है। और देखिए इतना सुंदर मिठाई लगा हुआ है इस काउंटर में, इनके बारे में भी भाई जाने बंधु। और ये देखिए, ये बना रहे हैं बर्गर बना रहे हैं, और ये बनाने वाले भी भाई बहुत बढ़िया टेस्टी बनाते हैं। अभी देखिए आप ये किस तरह से बना रहे हैं, जरा इसके बारे में थोड़ा और बताइए भाई, क्या क्या डालते हैं इसमें, जरा क्या 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 डालते हैं उसको बताइए, क्या क्या मसाला इसमें, या क्या।
टमाटर ये आप रोटी बनाए पनीर देखिए पनीर है ये पनीर का टुकड़ा भी पड़ रहा है ये मसालों सारा देखिए अभी तो लोग नाम करते हैं यहाँ से बहुत दूर तक नाम है इस स्वीट हाउस का कि वहाँ सामान बहुत बढ़िया मिलता है इसलिए आप देख रहे हैं कि ये बनाने में कितनी तारीफ है और ये पैसा बना रहे हैं इसके बारे में आप देखें अभी तो बेस्टी होता है भाई लोगों ने बड़ी बड़ाई किया हम लोग जलपान के लिए सोचे मंदिर पे आए थे तैयार हो गए तैयार हो गए अब ये कितने का है 20 रुपए का नॉर्मल अब चला वहां मनु अब हम चलते हैं दिखा टेस्टी टेस्टी है बहुत बना हुआ है ये बर्गर बर्गर अब तैयार हो गया है बर्गर अब हम चल रहे हैं बैठ करके थोड़ा इसका टेस्ट लेते हैं ये कैसा है इसको चेक करके बताएंगे आइए बंधु आइए अरे भैया बैठ करके खाएंगे यहाँ का ऐसे खड़ा होकर खा ले मनु वास्तव में बहुत ही टेस्टी है और जो नाम था वो सही है पूरा ये टेस्टी बनाए हैं और तभी इनके यहाँ भीड़ होती है बहुत सुंदर बनाए हम इस स्वीट हाउस के मालिक से मिलते हैं जो कि कृष्णा स्वीट हाउस कृष्णा बेकर्स और ये देखिए यहाँ काउंटर में मिठाई बहुत सुंदर लगा हुआ है तो इन सबसे मिलते हैं और इनका व्यवहार बहुत बढ़िया है सुने हैं भाई मंदिर से लोग भेजे कि आप जलपान के लिए वहीं जाइए तो हम लोग यहाँ आए हैं बंधु अब हम आ गए हैं दोस्तों अब इस समय हम भगवान चौरसिया जी से जो कि कृष्णा स्वीट हाउस के ये प्रोपराइटर हैं और इन्हीं की व्यवस्थाएं हैं बहुत सुंदर व्यवस्था है क्योंकि हम लोग मंदिर पे आए थे कठेला मंदिर समय माता के जहां से लोगों ने कहा कि जलपान के लिए हम लोग पूछे जब दुकान की कोई बढ़िया बताइए होटल भाई क्योंकि हम लोग 45 किलोमीटर दूर सिद्धार्थ नगर जनपद से चल करके आए हैं तो हम लोग को तो लोग बताए कि कृष्णा स्वीट हाउस पर जाइए और वहाँ आपको जलपान बढ़िया मिलेगा तो हम लोग यहाँ आए हैं और ये कृष्णा स्वीट हाउस के प्रोपराइटर श्री भगवंत चौरसिया जी हैं इनसे जरा बात करते हैं और भाई आपका नाम लोग टीकाधारी के रूप में लेते हैं और धार्मिक हैं इसी कारण से लोग ऐसा जानते हैं तो इसके बारे में बताइए क्या क्या बढ़िया बढ़िया चीज आपके यहाँ है उसके बारे में जरा बताइए गाजर हलवा है गाजर हलवा है मीठा समोसे हैं पेड़ा है कलाकंद है और पानी वानी है भटूरे केक भी है यही सब रहता है चाय है पानी कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप लोग यहाँ दुकान पे सबको जाते हैं सुने हैं भाई फिल्टर पानी फिल्टर पानी भी रहता है बिस्लरी भी रहता है यही सब रहते हैं देखिए बंगो ऐसे महंगाई में आपके द्वारा शुद्धता रहे इसी कारण से यह फिल्टर पानी अपने यहाँ सभी ग्राहकों को पिलाते हैं और ये बताइए ये शुद्ध शाकाहारी है ना ये जो ये बन रहा है एकदम शुद्ध शाकाहारी देखिए इनका कहना है कि जो भी हमारे यहाँ मिलेगा शुद्ध शाकाहारी के लिए फिल्टर पानी यूज किया जाता है देखिए बंधु यहाँ पब्लिक के लिए फिल्टर पानी यूज किया जाता है सभी लोग आते हैं पानी पीते हैं और जिन भी सज्जन को आना हो वो आ सकते हैं शुद्ध शाकाहारी व्यवस्था इनके यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था और शुद्ध सामान की व्यवस्था आपके यहाँ मिलेगी बंधुओं आप लोग आ सकते हैं आप लोग बने रहिएगा जय श्री सीताराम जय हनुमान जी महाराज।